नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई की फ्लाइट्स के बारे में। जी हाँ भाई, फ्लाइट की अपडेट की बात करें तो आपको पता ही स्थिति क्या है, और भी आप न्यूज़ देखते होंगे। बाकी अब की बार जितनी नाटकबाजी यूएई सरकार ने की है ना, उतनी भाई कोई भी देश नहीं कर पा रहा। जी हाँ, ठीक है, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, कतर का तो फ्लाइट चालू है, बाकी जो और देश हैं, चार देश और हैं, पांच देश हैं, सबके सब ठीक है जी, ताला लगा दिया, चाबी हमारे पास है। ये नहीं कि 24 घंटे के लिए खोल देते हैं ताला, फिर वापस लगा देते हैं, फिर 2 घंटे के लिए खोल देते हैं, वापस लगा देते हैं, आज बोलते हैं ये ताला नहीं, ये ताला लगाओ, ये ताला नहीं इस देश के लिए, ये ताला, मतलब एक प्रोसेस ऐसा चल रहा है यूएई सरकार की तरफ से। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी रीज़न है आगे ऑक्सपो आ रहा है, आपको बताया 2020 जो शायद अक्टूबर में है मेरे हिसाब से, आपको जब पता हो तो डेट का फाइनल है। तो उस देश में यार कितने देशों के जो सबसे ज़्यादा लोग जाने वाले हैं, उन देशों का उन्होंने बैन करके रखा है। अब भाई यूरोपीय देशों के लोग जो अंग्रेज आएंगे वो वहाँ से सामान खरीदेंगे, वो वहाँ पर ज़्यादा बिजनेस करेंगे क्या? गल्फ देशों में तो एशियन कंट्री का बिजनेस है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एशियन अपने जो 12-13 कंट्री इन्हीं का सबसे ज़्यादा बिजनेस है, उनको ताला लगा के बैठा दिया कि आप अंदर रहो जी, हम आपको नहीं बुलाएंगे, अभी बाहर नहीं निकालेंगे, स्थिति हो गई। देखिए बता दूं, 7 जुलाई का अपडेट बोला, 7 जुलाई को फ्लाइटें हैं, अभी तक कोई अपडेट, आज 6 जुलाई हो गई, कोई अच्छा अपडेट तो आया नहीं है। बाकी उम्मीद कर रहे थे भाई 7 जुलाई तक कोई अच्छा अपडेट आएगा, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ आ पाएगा, हमने भी वीडियो बनाया था। उसके बाद में 21 जुलाई कर दिया सीधा कि भाई 21 जुलाई तक फ्लाइटें ओपन होगी। अभी जो दुबई की एयर इमिरेट्स लाइन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई 15 जुलाई तक फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी, टिकटें आप बनवा लो जी। बहुत तो टिकटें बनवाने में लगे कि पैसा देके टिकटें बनाते रहो, फिर हम फ्लाइट ओपन करेंगे, मतलब फ्लाइटें ओपन हो सकती हैं, ऐसा कुछ 15 जुलाई के आसपास की खबर आ रही है, आपने देखा होगा। अभी बता दूं, इमिरेट्स ने भी घोषणा की थी लगभग 8 देशों पे फिर एंट्री पे बैन लगा दिया, बताओ पाकिस्तान पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सऊदी पे 4 जुलाई से फिर एयर इमिरेट्स की घोषणा है, ये बंद कर दी, फ्लाइटें नहीं जा पा रही है। बांग्लादेश की भी ये स्थिति है, 15 जुलाई तक बैन कर दिया, 15 जुलाई तक इंडिया पर भी बैन बताया है, श्रीलंका, वियतनाम 5 जुलाई से उनके ऊपर भी बैन कर दिया, वो फ्लाइट ही वहां नहीं जाएगी, समझ रहे हो बात। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि इन देशों में जो लोग 14 दिन रह चुके हैं ना, उनको हम एंट्री नहीं देंगे हमारे देश में। अब बताओ सऊदी, अब लोगों को दुबई, सऊदी को भी फ्लाइट बंद कर दिया, बताइए जी, सऊदी को जब यूएई ने बंद करके रखा है तो भाई आप लोगों का नंबर क्या आने वाला है? अभी फ्लाइटों का भैया प्रॉब्लम ही है, ऊपर नीचे नए, हर रोज नए अपडेट आ रहे हैं, हर मिनट में नए अपडेट आ रहे हैं, इतनी सारी वेबसाइट है, पता नहीं कहाँ से न्यूज़ निकाल के लाते हैं, जो लगभग फर्जी न्यूज़ होती है, उनका कोई सेंस नहीं बनता है फ्लाइट से रिलेटेड। ये बोला उसने, ये बोल दिया, उसका ये ट्वीट है, उसने ये घोषणा करी है, पता नहीं घोषणाएँ कहाँ से करते हैं, कौन करता है, समझ में से बाहर है ये बात। हम तो भाई उम्मीद यही करेंगे कि इसी महीने में फ्लाइटें ओपन हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे एक्सपो 2020 आ रहा है, जो एशियन कंट्रीज के बिना नहीं हो सकता, खासतौर से इंडिया की अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर भी यहीं के हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन यहीं के हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहीं की है, इनके बिना वो कैसे काम कर पाएंगे, ये समस्या थोड़ा सा बाहर है। दूसरी बात भाई, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई जितना थोड़ा डिले करेंगे ना, उतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए, नॉन वैक्सीनेशन लोगों को तो वो घुसने ही नहीं देंगे, वैक्सीनेशन होने के बावजूद एंट्री नहीं दे रहे, मुझे तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है कि वो लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन हो गया, उनको तो कोरोना नहीं होता ना, फिर भी वो एंट्री नहीं दे रहे, यार ये समझ से बाहर की बातें हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अभी इन कंट्रियों को बैन करके इसलिए रखा है क्योंकि यूरोपीय कंट्री के लोग अभी दुबई में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ये एशियन कंट्री के लोग होते हैं, गरीब इतना खर्चा नहीं करते वहाँ पे, तो उनको इनकम नहीं होती है, ये लोगों की थिंकिंग मैं बता रहा हूँ। और जो यूरोपीय कंट्री के लोग हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन वगैरह, अमेरिका, यूएसए, कोई भी कंट्री मान लीजिए, वो लोग यूएई में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से यूएई को ज़्यादा इनकम होती है, और वो नहीं चाहती कि फालतू की भीड़ बढ़े। भाई वो कहावत तो सही है ना, एक आदमी 10 लोगों से 10,000 रुपये कमाता है, एक आदमी ऐसा आ जाता है उसके पास, वो अकेला ही 10,000 रुपये की उनसे सेल करवा देता है, तो 10 से तो एक ही अच्छा हो गया ना। तो ये भी एक बताया जा रहा है कि भाई यूएई सरकार नहीं चाहती कि भीड़ बढ़े, इसकी वजह से लोग, यूएई के लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, वो यहाँ पे आने से मना करें, ये भी एक तरीका बताया गया है, सुनने में आ रहा है। बाकी देखो इसका अपन तो साइंटिफिक तो फैक्ट नहीं बता सकते, ना ही कोई वीज़ा की अपडेट दी जा रही है, विजिट वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, लोगों के परमिट कैंसिल हो रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है भाई। उनकी सऊदी और कुवैत की तरह वो अपडेट भी नहीं बता रहे हैं कि हम उनको आप रिन्यू कर देंगे दोबारा, ऐसा भी उनकी यूएई सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ पा रही है। तो कुल मिला के संतोषजनक नहीं तो मैं जानकारी आपको दे पा रहा हूँ, नहीं आपको कहीं से और से मिल रही है। हाँ, बाकी वीडियो देख देख के माइंड है ना वो ज़रूर गर्म होता है कि यार क्या है ये, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट हो सकते हैं भाई। तो मुझे नहीं लगता कुछ अच्छी न्यूज़ आ पाएगी, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है 7 तारीख कल हैं, देखते हैं कोई अच्छी अपडेट आती है तो हम कल आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।